नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एग्जाम बहुत सारे लगे हैं, बहुत फोन कॉल आ रहे हैं, सर किसकी तैयारी करें, सर डीएचओ की करें, सर टीजीटी पीजीटी की करें, सर पेट की करें, किसकी करें। लोग बहुत कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे जो है इंक्वायरी कर रहे हैं सर क्या करें। देखो, तो आपको जो समझ में आता है, आपकी पकड़ जिस पे है उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे हिसाब से क्या बेटर रहेगा वो आप देख लो। देखो, आपको 1 अगस्त को डीएचओ का एग्जाम लगा है। देखो, मैं अपना व्यू बता रहा हूं आपको, आप माने ना माने, अगर आपको बेटर लगता है तो आप अपने हिसाब से काम करना। 1 अगस्त को डीएचओ, मतलब डीएचओ में प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, 3 स्टेप, टीजीटी और पीजीटी। बहुत हार्ड पेपर आता है, ये समझ लो कि 125 क्वेश्चन में आपको 110, 115, 105, 100 से नीचे तो भूल जाओ, इतने आपको सही करने पड़ेंगे तब आपका टीजीटी पीजीटी निकलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब अगर डीएचओ आप एक ही पेपर देने को पाएंगे, टीजीटी पीजीटी आप एक ही पेपर देने के पाएंगे, 20 अगस्त को जो पेट का एग्जाम है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही जो है आपके लिए लाभदायक है और इस पे फोकस कुछ ज्यादा होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर इन सब एग्जामों के चक्कर में पड़ोगे तो ये आपका तैयारी, इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, इन्हीं में रह जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो तो बेटर है, क्योंकि इस पेट के थ्रू मैं आपको बता दूं 8000 पद लेखपाल के आपको मिलेंगे, 8000, ठीक है। इसी में आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के मिलेंगे, इसी में आपको मैं बता दूं एजीटीए के मिलेंगे, इसी में आपको शुगर केन के मिलेंगे। मतलब इस पेट को पास करने के बाद आपको कई क्षेत्रों में कई जॉब को ऑफर मिल सकता है, अगर आप पेट को क्वालिफाई करेंगे। अगर आप पेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप किसी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो कोई फॉर्म नहीं डाल पाएंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी भ्रम है, बहुत लोगों का भ्रम है कि उस बीच जो है, उस बीच देखो, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं हमारा कई जगह लिंक है, कई बार मैं आयोग गया हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों का भ्रम है कि उस बीच पेपर में एजीटीए और शुगर केन की जो है जगह नहीं दी गई थी, तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसकी जगह नहीं आएंगी। तो भैया, जो सोच रहे हैं जगह नहीं आएंगी, तो आप लोग सोचते ही रह जाओगे, ठीक। वो पुराना दे दिए, अभी जब नया फिर से निकालेंगे, कौन कौन सी पेपर आएगा, कौन कौन सा जो है उसमें पोस्टें होंगी, तो भैया मैं आपको बता दूं, जो एजी के पोस्टें 800 से कम आपको शुगर केन की नहीं मिलेंगी, और लमसम 3000 पद आपको एजीटीए के मिलेंगे, 3000 पद लगभग एजीटीए के मिलेंगे, 3000 से ज्यादा नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। कहो 2200, कहो 2500, कहो 3000 आ जाए। तो आप ये सोच लेना, जो भ्रम में पड़े हैं कि पेपर में नहीं निकले था एजीटीए की वैकेंसी शुगर केन की, तो उसमें नहीं निकलेगी, वो आपका भ्रम है। कृपया इस भ्रम से बाहर निकलिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, उस पर 3-4 वीडियो बनाया हूँ, फिर ये भ्रम को अपने दूर करो। मैं बता दूं, 20 अगस्त को पेपर होने के बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा एजीटीए इन वैकेंसियों के लिए, समय नहीं मिलेगा, पक्का है, ध्यान कर लो, गांठ बांध लो। अगर इसको पास करोगे तभी सब में फॉर्म डाल पाओगे, और ये 100% जगह आने वाली है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों ध्यान कर लो, कभी वैकेंसी नहीं आती है, इसमें लास्ट बार वैकेंसी आपके लिए आएंगी। अगर जॉब लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा करो वैसा करो। मेरे हिसाब से ये जो पेट है आपके लिए बेटर है,
इसकी आप जी तोड़ तैयारी करो, निगेटिव मार्किंग है। 21 लाख लोग विद्यार्थी जो 21 लाख लोग फॉर्म डाले हैं, 21 लाख लोग परीक्षा देंगे और कितने एबसेंट होते हैं ये बात की बात है। 10 लाख लोग तो पहले से बाहर चले जाएंगे, 21 लाख में 10 लाख तो गियो, 10 लाख तो साफड़ा हो जाए, 10 लाख लोग चले ही जाएंगे और 10 लाख लोग बचेंगे और उसमें देखो कट ऑफ कितनी निर्धारित करते हैं। तो भैया परेशान ना हो, मैं जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से काम करो, पेट पे जोर दो, पेट को क्वालिफाई करो और हमें लगता है कि हाँ पेट ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा जो आप जो है करना चाहें, अगर आप ही बहुत इन सब पकड़ पे हैं तो आप बिल्कुल आप तैयारी कर ली, लेकिन इसकी तैयारी करेंगे तो आप इसमें जोर नहीं दे पाएंगे। बाकी एग्रीकल्चर वाले बच्चे आप ध्यान दो, जान खुद जान लो कि क्या तुम्हें तैयारी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद पता होना चाहिए। और ये तो अपने अंदर भ्रम निकाल दो। लास्ट बार मैं कह रहा हूँ, जब वैकेंसी 2058 आई थी, 2059 आप लोगों के लिए, तो कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रहा था, चला रहा था, कोई नहीं कह रहा था मैं यूट्यूब पर क्लास, देख लीजिए 2018 का मेरा यूट्यूब चैनल है, कोई नहीं ले रहा था, सिर्फ मैं पढ़ा रहा था और मैंने कहा था कि वैकेंसी आएंगी, मैंने कहा था पेपर होगा, वही हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ भैया वैकेंसी जरूर आएंगी, इसके चक्कर मत पड़ना पेपर में नहीं आए तो नहीं आएंगी, ये गलत सोच है। इसलिए भैया लगे रहो, पढ़े रहो, और जो है दिसंबर पहले तुमको जॉब लेना है, मार्च वार्च के पहले तक, नहीं तो भैया तीसरी लहर आ जाएगी, चौथी लहर आ जाएगी और मामला गड़बड़ा जाएगा। आजकल तो भैया कितना जो है बेरोजगारी है ये तो कुछ समझ रहे हो, एक एक पैसा के लिए बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तो आप समझ लो क्या कैसे जिंदगी चलाना है और कैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई तो कैसे करना है, जुट जाओ, खत्म कर दो सब कुछ, तहस नहस कर दो, कैसे नहीं नौकरी मिलेगी यार, चाह जाओ तो पता नहीं क्या कर सकते हो तुम, नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो मेहनत करो, पढ़ो और जॉब लो। दूसरी बात देखिए, ये इसमें जो है ये जो पिट है, पिट में आपके 14 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट, इन 14 सब्जेक्टों का अलग अलग नोट्स जो है बन चुका है, ये सारे लोग मंगा रहे हैं, जिसको ये पिट का नोट्स चाहिए वो जो है आप 7379823368 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7379823368 पे कॉल कर सकते हैं। एक चीज और, इस पे अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, इस पे अभी पेट पे ऑफर चल रहा है, अभी मंगा लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो और ज्यादा आपको भुगतान करना पड़ सकता है। और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, पेट की पीडीएफ भी आपको बन गई, बहुत सारे लोग पीडीएफ मांग रहे थे, पीडीएफ नहीं थी, लेकिन अब पेट के सिलेबस की पीडीएफ भी बन गई है, अगर आपको चाहिए तो 7379823368 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ, इसके अलावा अगर आपको एजीटीए का नोट चाहिए, शुगर केन का चाहिए, डीएचओ का चाहिए, टीजीटी पीजीटी का चाहिए, तो आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, ये पेट पूरा आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, 100% आपका इसी से निकलेगा, दो बाइंडिंग हो कि इतने इतने मोटे नोट्स है, 14 सब्जेक्ट है, अलग अलग है, सिलेबस वाइज है, आप जो है इससे आप पेट की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और बाकी तो आपकी मर्जी, आप जैसा करें वैसा उचित है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।